हेलो। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा 49 है ना, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, देखिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर, है ना। 49 की बात करें, एक समस्या, इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वन स्टूडेंट मेक्स अ मिस्टेक इन द कोफिशियंट ऑफ द फर्स्ट डिग्री टर्म। अच्छा, जनरल इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। फर्स्ट डिग्री टर्म यानी कि यहां मिस्टेक है, फर्स्ट डिग्री टर्म, डिग्री मतलब पावर है ना, तो फर्स्ट डिग्री टर्म वाला जो कोफिशियंट है यहां मिस्टेक है। हिंदी में क्या लिखा है उसने, प्रथम घात पद, प्रथम घात यानी कि जिसकी पावर एक्स की वन हो उसका कोफिशियंट, यहां मिस्टेक कर दी। और यहां मिस्टेक करते हुए गलत रूट क्या निकाले, -9 और -1 है ना। तो उसने जो रॉन्ग रूट निकाले, गलत रूट्स उसने क्या निकाले, -9 और -1 है ना। मतलब एक्स बराबर -9 और एक्स बराबर -1, ये गलत रूट उसने निकाले, बी का वैल्यू गलत किया। अब एक और गलती है आगे, अनदर स्टूडेंट, एक और स्टूडेंट ने मिस्टेक की, उसने कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ द इक्वेशन ऑप्टेंस, कॉन्स्टेंट टर्म में मिस्टेक की उसने, तो उसने कहां मिस्टेक की, सी कॉन्स्टेंट टर्म, ये वाली टर्म में। तो एक ने यहां मिस्टेक की, पहले स्टूडेंट ने, दूसरे ने यहां मिस्टेक की। यदि ये मिस्टेक की है तो यहां के भी रूट उसने गलत ही निकाले होंगे, तो यहां के गलत रूट उसने क्या निकाले, गलत रूट्स उसने निकाले x = x = क्या निकाले, दो गलत रूट, गलती करते हुए गलत रूट निकाले उसने 8 और 2। ठीक है चलिए, ओके ये गलत रूट। चलो अब देखो, x + 9 = 0 और x + 1 = 0, क्लियर। चलिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो गलत वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामने आ जाएगी, है ना। तो x² + 10x + 9 = 0, ये गलत क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और बना लेते हैं फिर बात करेंगे, ये x - 8 = 0 और x - 2 = 0, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 8 और x - 2 = 0, तो x² - 10x + 16 = 0। तो यहां की गलती कौन सी है, ये वाली। चलो अब हमें लिखना है राइट इक्वेशन, हमें राइट इक्वेशन लिखना है ना, सही इक्वेशन लिखना है, राइट इक्वेशन। तो अब आप बताओ, इस वाले पोर्शन में तो किसी ने भी गलती नहीं की, यानी कि ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल सही है, तो राइट इक्वेशन का ये वाला वैल्यू तो लिख दे, सीधे लिख दे, क्लियर। अब ये वाला पोर्शन इसका गलत है, ये वाला पोर्शन इसका सही है क्या बिल्कुल, अरे सेकंड वाला पोर्शन किसका सही है, इसने तो यहां गलती की है ना, मतलब ये वाला पार्ट तो इसका सही है, अच्छा ये वाला पार्ट इसका गलत है, तो ये वाला पोर्शन वहां से लेंगे जिसका ये वाला पोर्शन बी एक्स वाला सही है इसका, तो सीधे -10x कॉपी कर ले क्या। अब सी वाला पोर्शन इसका गलत है, इसका सही है +9, तो बताइए सही इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, तो x² - 10x + 9 है ना। जल्दी कॉपी स्पीड से करना है ना। जल्दी कॉपी करो, आज हम पॉलिनोमियल्स भी कंप्लीट कर लेंगे, अगला वाला टाइप 21 बहुत शानदार है, अच्छी चीज है।
हो गया क्या? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। 50 मिटा दो इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 50 है ना। देखिए 7x + 2a का होल स्क्वायर प्लस 3a² बराबर 5a 7x + 23a, है ना। इसमें क्या बोला है? a greater than 0 नहीं बोलता तो a बराबर 0 रख के हम सवाल को खत्म ही कर डालते सीधे, समझ आ रही बात। लेकिन इसने a क्या बोल दिया? 0 से बड़ा है, 0 नहीं ले सकते। 0 नहीं ले सकते तो a बराबर 1 लेने से तो रोक नहीं पाएगा यहाँ। a बराबर 1 ले लेंगे तो थोड़ा तो इजी होगा हमारा सवाल। a बराबर 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 1 करोड़ ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला। आई बात समझ में? क्लियर, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में भी ये है, क्वेश्चन में भी है। a बराबर 0 लेने से मना किया, a बराबर 1 लेके हम कर सकते हैं। एक बार a बराबर 1 लेके बता देता हूँ, फिर विदाउट a लेके a के फॉर्म में ले आएंगे आंसर, दोनों तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए a बराबर 1 लगाते हैं सबसे पहले। जैसे लगाएंगे a की जगह 1, a की जगह 1 है ना, तो x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 7x² + 4 + 4x, है ना, प्लस 3 बराबर 35x प्लस 115, सही किया ना, 35x 23×5 115, क्लियर। इधर x² + 4 + 4x 3, ठीक है। चलिए तो 7x² है ना। अब यहां से यदि हम देखें, ठीक है ना, तो सुनिए देखिए 7x², ठीक है, उसके बाद x के फॉर्म में 28x, 28x में से 35x आके माइनस होगा तो -7x बचेगा, ये बचेगा x का रिजल्ट, इधर का उधर का दोनों का मिला के ये 28 है, 28 + 3 = 31, 31 - 115 -84 आएगा आई थिंक, याद है मुझे, अब कर लेना। x² - x - 12 = 0 आ जाएगा क्या इक्वेशन, है ना। अब +4 और -3, तो बस एक तो x का वैल्यू +4 आ गया और एक x का वैल्यू क्या आ गया आपका, -3। अच्छा निकालना क्या है हमें? अच्छा m और n इसके रूट्स है, m और n क्या है इसके रूट्स, है ना, और m ग्रेटर देन n दिया है हमें, क्लियर। m और n इसके रूट्स है और m ग्रेटर देन n हमें दिया है, और हमें वैल्यू किसका निकालना है यहां पर, वी हैव टू फाइंड आउट 3m - n। देखो हमें निकालना है 3m - n की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो आ गया ना m बराबर 4 और n बराबर -3। आपको ये मेथड आती कि नहीं आती? आती है। तो m बराबर 4 और n बराबर -3, है ना, ठीक है। अच्छा इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं हमें? 12a 14a 15a 18a, 12a 14a 15a और 18a, ठीक है। चलो तो a का वैल्यू 1 इसमें भी तो रखेंगे हम जो वहां रखा है, तो हमारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? 12 14 15 और 18 हमारे ही ऑप्शंस होंगे a बराबर 1 रखने के बाद। आई समझ में? अब सुनो मेरी बात। तो हमारे इक्वेशन में m बराबर 4 और n बराबर -3। अच्छा उल्टा भी ले सकते थे, क्यों नहीं ले सकते थे? m ग्रेटर देन n बोला है, यानी कि जो भी बड़ा रूट आएगा उसको m लोगे और छोटे वाले को क्या लोगे? n। तो रख दें 3 * 4 - -3,
तो बताइए 12 प्लस 3 15 आ जाएगा क्या? तो 15 यानी कि सी वाला ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा? बस एक ही मेरे को गड़बड़ लग रही है, अब ये है कि आप ये रूट निकालना आता है कि नहीं आता है? आता है ना, बाकी स्प्लिटिंग से कर लो। देखो बेसिक तरीके से बताऊं तो उससे कर लीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3, सॉरी 1 को आप 1 को 4, 1x है ना ये, तो 1 को 4 माइनस 3 लिख सकते हो, 4 3 माइनस का 12 आता होगा आपको, सब 12 साल स्कूल पढ़ पढ़ के आए आप लोग। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0, यहां से x कॉमन तो x माइनस 4 बचेगा। शॉर्ट मेथड आनी चाहिए यार, इतना रामायण कथा करने का टाइम थोड़े ना आपके पास। प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0, इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन है, तो यहां क्या बचा, x प्लस 3 बराबर 0, तो एक तो x बराबर 4 आया और एक x बराबर माइनस का 3 आया, तो m और n रूट है, तो m ग्रेटर देन n है, तो बड़े वाले को m बोल दो, छोटे वाले को n, ताकि m ग्रेटर देन n दिख जाए, है ना, बाकी वैल्यू लगा देंगे, आंसर आ जाए। कॉपी करो जल्दी से इसको, हमने a बराबर 1 रखा है यहां पर, है ना। हो गया कॉपी? हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है? चलिए देखिए आगे चलते हैं। हेलो, हाँ, अब इसमें अभी तो मैंने a बराबर 1 पुट किया, जब a बराबर 1 पुट नहीं करेंगे तो क्या हाल होगा इसका, वो हाल देख लेते हैं। मिटा दो इसको, है ना। चल अब हमारे ओरिजिनल ऑप्शंस ही काम करेंगे। करते हैं इसको सॉल्व, x प्लस 2a का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 3a स्क्वायर बराबर 5a का मल्टीप्लाई करें, 35ax प्लस 115a स्क्वायर, है ना, प्लस 115a स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर 7x स्क्वायर, और कहीं x स्क्वायर है नहीं, ये तो कन्फर्म है। चलो अब ax वाले टर्म एक तो यहां से मिलेगा, एक यहां से मिलेगा, है ना,
तो यहाँ कितना 28 एक्स आ रहा है, यहाँ 35 एक्स आ रहा है, 28 माइनस 35 माइनस 7 एक्स आ जाएगा। अब ए स्क्वायर के फॉर्म वाले जितने भी रिजल्ट हैं, तो 28 31 माइनस का 84 ए स्क्वायर आएगा, ही आ जाएगा क्या, है ना। तो ये आ गया आपका 84 ए स्क्वायर, है ना, ठीक है। कुछ नहीं यार, वही कहानी, 7a को पकड़ लो आप, 7a को सॉरी 7 इंटू 7 को कॉमन निकाल के उड़ाओ ना यार, क्यों लोड लें फालतू का। माइनस 12 ए स्क्वायर बराबर 0, या तो इसके भी रूट निकाल लो m और n। अच्छा 1a है तो इसको प्लस 4a माइनस 3a लिख सकते हैं क्या, a के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं ना, 4 3 जा 12 माइनस 12 ए स्क्वायर सेटिस्फाइड है, तो प्लस 4a बस यही रूट हो जाएंगे दोनों, प्लस 4a माइनस 3a रूट हो जाएंगे ना सीधे इसके। तो m ग्रेटर देन n, तो m इसको बोल दो 4a और n इसको बोल दो माइनस का 3a, बना लोगे, कर लोगे, ये क्लियर है ना, ये जो मैं कर रहा हूँ काम, ठीक है ना। चलो m का वैल्यू इनका 3m माइनस n का वैल्यू हमें निकालना है, तो m का वैल्यू क्या रख दें, प्लस का 4 है, और n का वैल्यू क्या रख दें, माइनस का 3 है, तो 12a प्लस 3 है, बताइए 15 आ जाएगा आंसर, है ना, ठीक। जल्दी कॉपी करो या फिर ये तो खुद से ही कर लेना आप, सेल्फ हो जाएगा, मिटा दूँ सीधे चलूँ आगे, अब तो मिटा ही रहा हूँ मैं, कर लेना सेल्फ, नहीं आए तो कल फिर बता दूंगा, है ना, मिटा दूँ, ठीक, सेम तो है ना, कोई चेंज थोड़ी ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 51 पर आ जाते हैं, 51 भी अच्छा क्वेश्चन है, उसमें भी हम वैल्यू पुट अप करके उसको हम तोड़ देंगे सवाल को पूरा। इसके दो आंसर है, या तो 0 या फिर 4, क्वेश्चन नंबर 51 के दो आंसर पॉसिबल है, या तो 0 या फिर 4, लेकिन ऑप्शन में 4 दिया नहीं है तो हम 0 को प्रेफर करेंगे। चलो देखो, पहले हम बेसिक से कर लेते हैं, फिर इसमें मैं बताऊंगा क्या कर सकते हो आप। चलो तो इक्वेशन है LX² + MX, MX + M बराबर 0, है ना। अच्छा इसके रूट्स का रेशियो क्या है, रूट्स का रेशियो P रेशियो क्यों दिया है, तो काम करें, रूट्स को हम पी ए और क्यू ए मान ले क्या, जब रेशियो को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है कि नहीं लगता है, या फिर ए नहीं तो के लगा लो, ए लगा लेते, पी ए और क्यू ए मान ले क्या दो रूट्स, क्लियर। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लें, पी ए प्लस क्यू ए बराबर माइनस एम अपॉन एल आएगा क्या। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लें, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यदि हम निकालेंगे, पी ए इंटू क्यू ए बराबर एम अपॉन एल आएगा क्या, ऐसा क्लियर है। अच्छा वैल्यू किसका निकालना है हमें, पी अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी, है ना, बराबर सॉरी प्लस एम अपॉन एल का वैल्यू, है ना, इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है कहानी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये p प्लस क्यू अपॉन रूट पी क्यू हो जाएगा क्या, बोलिए हो जाएगा क्या ऐसा, p प्लस क्यू अपॉन रूट पी क्यू, है ना, इस प्रकार से हो जाएगा ये, ठीक है। ये रूट पी सेपरेट कर लो, समझ में आ रहा है कैसे बनाया, रूट पी रूट पी, रूट रूट सेपरेट हो जाएगा ऊपर नीचे, रूट पी पी, रूट क्यू क्यू, पी प्लस क्यू अपॉन रूट पी क्यू आ जाएगा, प्लस रूट का एम अपॉन एल, है ना। चलिए अब देखिए यहां पर, तो ए कॉमन निकाल लूं यहां से, है ना, यहीं पे कर दूं क्या सीधे, कर रहा हूं मैं, पी प्लस क्यू ए निकाल लीजिए आप कॉमन, ठीक है ना। अच्छा ए का वैल्यू, ए का वैल्यू यदि आप यहां से निकाले, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं आप, पी क्यू ए स्क्वायर बराबर एम अपॉन एल, है ना। तो ए का वैल्यू यहां से यदि आप निकालो,
तो a का वैल्यू माइनस m अपॉन l p प्लस q आएगा क्या ऐसा? a का वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ मैं, a का वैल्यू क्या है माइनस m अपॉन l p प्लस q का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर बराबर m अपॉन l। बताओ ऐसा आएगा क्या? कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, अब पी क्यू इंटू एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है ना, बराबर m अपॉन l, स्क्वायर से m कैंसल, स्क्वायर से l कैंसल। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो m अपॉन l, m अपॉन l का वैल्यू p प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन पी क्यू हो जाएगा क्या, है ना? देखो है ना, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन पी क्यू एम अपॉन l बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर? अब क्या करो, सुनो, हम इसको रूट पी क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, नीचे वाले को रूट पी क्यू का होल स्क्वायर, या फिर इस पूरे को हम p प्लस क्यू अपॉन रूट पी क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? ये इसके बराबर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, है ना? p प्लस क्यू अपॉन रूट पी क्यू का वैल्यू अंडर रूट m अपॉन l आ जाएगा क्या? स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा इधर, और इस पे इसका जो रिजल्ट होगा प्लस माइनस दोनों में पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी, क्यों? इसका रिजल्ट जब इधर स्क्वायर रूट लगाओगे प्लस माइनस दोनों में रिजल्ट पॉसिबल होगा। क्यों होगा पॉसिबल? क्योंकि सेटिस्फाई होगा ना। अच्छा, इसका वैल्यू जब आप प्लस में रखोगे तो भी आपका एल एच एस बराबर आर एच एस आएगा, और इसका रिजल्ट जब आप माइनस में रूट एम अपॉन इसके अंदर आप इसकी वैल्यू यहां पे जो लगाओगे इसकी वैल्यू आप इसको प्लस में रूट एम अपॉन एल रखोगे तो भी सेम हो जाएगा स्क्वायर, ओके? माइनस रूट एम अपॉन एल रखोगे तो भी सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्लस माइनस दोनों सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें कौन सा लेना है। हम दोनों ले सकते हैं, दोनों लेकर इसके दो आंसर बनेंगे, जो ऑप्शन में होगा उसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो बताइए इसका वैल्यू हम क्या लेंगे? माइनस में लेंगे। किस में लेंगे? माइनस में। इसका वैल्यू, इसी का वैल्यू लगाना है हमें यहाँ पे, तो हम यहां पर लगाएंगे माइनस का रूट एम अपॉन एल और प्लस का रूट एम अपॉन एल, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा सी। यदि प्लस का रूट एम अपॉन एल आपने लगाया, आई बात समझ में? यदि प्लस का रूट एम अपॉन एल यदि आप लगाओगे यहां पर तो इसका आंसर फिर आएगा टू रूट एम अपॉन फोर, नहीं आएगा, मैं फोर बोल रहा था, वैल्यू पुटअप करने के बाद फोर बोल रहा था, ओरिजिनल आंसर इसका ये बनेगा। यदि आप प्लस का रूट एम अपॉन एल रहते हो तो इसका ओरिजिनल आंसर क्या बनेगा? टू रूट एम अपॉन एल। तो इसके आंसर दो पॉसिबल है, या तो जीरो बनेगा या फिर टू रूट एम अपॉन एल, तो ऑप्शन में जीरो है तो हम क्या लगा देंगे? जीरो, मतलब नेगेटिव रिजल्ट हम यहां से लेंगे पी प्लस क्यू अपॉन रूट पी क्यू का। करिए कॉपी इसको, फिर वैल्यू पुटअप करके क्या दिमाग आप लड़ा सकते हो बताता हूं मैं इसमें आपको। कोई स्टेप समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, है ना?
हो गया। समझ में आया ये? शुरुआत से आना था ना, बीच में क्यों आए एकदम से? हाँ अच्छा, आज ही इंदौर आया। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ऑनलाइन तो एक्टिवेट होगा ना आपका, तो उस पर सारी क्लासेस डाली है शुरू से, देखिए देख रहे हो सारी स्टार्टिंग से। अच्छा मतलब कल तक की क्लासेस देखी है सारी? क्वाड्रेटिक देखा है कि नहीं देखा है? एलजेब्रा बिल्कुल नहीं देखा? बस फिर कोई बात नहीं, आराम से बैठो। नए टॉपिक से स्टार्ट कर लेना, इसके बाद नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे वहां से, है ना? हो जाएगा ये रिकवर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हो गया क्या ये? हाँ स्कूल नहीं है, कोचिंग है ना। चलो मिटा दूं? ठीक है। चलो देखो, वैल्यू पुट अप करके करोगे ना, दो सेकंड में सीधे आंसर आ जाएगा। देखिए मिटा दूं मैं इसको, है ना? ठीक है। हाँ देखिए, एल बराबर रखो 1 और एम बराबर रखो 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया क्या ये? एल एम एन, एल और एम की जगह जो चाहो वो रख के सवाल को कर सकते हो, है ना? ठीक है, तो अब देखिए एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, है ना? इट मीन्स दोनों रूट इक्वल ले लिया हमने, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर यानी कि दोनों रूट इक्वल ले लिए। दोनों रूट यदि इक्वल ले लिए तो फिर पी बाई क्यू का वैल्यू 1 आ गया। अरे पी और क्यू रूट्स का रेशियो है ना, यदि दोनों रूट इक्वल है तो P और Q बराबर है, यानी कि P बाई क्यू का वैल्यू क्या आ गया? 1। तो P बाई क्यू की जगह 1 रखेंगे, P बाई क्यू की जगह 1 रखेंगे और M का वैल्यू 4 और L का वैल्यू 1 रखेंगे कि नहीं रखेंगे? क्लियर। 1 और 1 कितना आएगा? 2। अब ये जो रिजल्ट है प्लस माइनस 2 दोनों में बाहर आ सकता है, तो या तो 0 बन सकता है आंसर या फिर क्या बन सकता है आपका? 4। लेकिन ऑप्शन में क्या है हमारे? 0। क्लियर। यदि 2 रूट एम अपॉन एल ऑप्शन में होता तो हम उसमें भी वैल्यू रखते तो 4 आंसर आ जाता हमारा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम क्या चुनेंगे यहां पर? 2 माइनस 2, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा? 0। हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 52, है ना? 52, ठीक है। क्या है 52 की कहानी? 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30, है ना, बराबर, अरे मैं उधर लेके लिख रहा हूं सीधे सॉल्यूशन का दूसरा स्टेप, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, प्लस में हो जाएगा ना, इधर से इधर आएगा, प्लस का x माइनस 5, है ना? दो स्टेप में खत्म हो जाएगा सवाल आपका। देखो क्या है कहानी, सुनिए। अच्छा निकालना क्या है इसमें? ये इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या दिए हैं?
और हमें निकालना है अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर? स्क्वायरिंग करना है दोनों ओर, इधर भी स्क्वायरिंग करो, इधर भी स्क्वायरिंग करो। इधर स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30, है ना, बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 प्लस b स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर में x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, ये आएगा b स्क्वायर। b स्क्वायर में आप x माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाएगा सीधे, और प्लस 2ab, 2 a क्या है आपका, हाँ b पहले लिख रहा हूं a बाद में, है ना, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। चल अभी देखो जरा, 3x स्क्वायर से ये 3x स्क्वायर कैंसिल, है ना, माइनस 7x से माइनस 7x भी कैंसिल, ठीक है। इसके बाद इसको आप ले लो, क्या बचा इधर से, माइनस 5 है ना, और प्लस 25 प्लस 20 माइनस 50, 10x माइनस 50 बराबर 2x माइनस 5 अंडर रूट में 2x स्क्वायर माइनस 7x, ये आएगा, है ना। अच्छा यहाँ से यदि 2 कॉमन निकाल लो आप तो ये x माइनस 5 है, 10 कॉमन निकाल लो तो x माइनस 5 है, x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल, इसकी जगह मैं इसको ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना, और 2 5 जा 10, रूट हटेगा तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा सीधे, और 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 हो जाएगा, हो जाएगा क्या, x माइनस 5 कैंसिल तो 5 का स्क्वायर 25 है ना, 25 को उधर ले लो तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30, निकाल ले इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, माइनस 30 बाई 2 माइनस 15 आ जाएगा, है ना, ये आंसर बन जाएगा। हो गया, टाइम बताना, 7:45 कि 50:55। पॉलिनोमियल्स कंप्लीट करेंगे आज, जल्दी करो आप फटाफट, एक और सवाल बचा है 53 वाला। मिटा दूं, रफ कर दूं, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 53, क्या है 53? 2 की पावर x प्लस 2, 27 की पावर x अपॉन x माइनस 1 बराबर में क्या है? 9, है ना? लॉग लेना है, लॉग ऑप्शन देख के पता चल रहा है ना? तो इधर भी लॉग ले लीजिए, 9 है ना ये, तो इधर भी लॉग ले लो आप और इस पर भी क्या ले लो, लॉग, ठीक है? लॉग m इंटू n, लॉग m प्लस n होता है पता है, होता है कि नहीं होता है? लॉग m इंटू n, लॉग m प्लस n, क्लियर? ये लिख देता हूं इधर पे, लॉग m n बराबर लॉग m प्लस लॉग n, ये प्रॉपर्टी लगाई अभी मैंने, है ना? अब लॉग m की पावर n बराबर n लॉग m, पावर आगे शिफ्ट हो जाती है, कूद जाती है, जंप कर जाती है, x प्लस 2 को आगे ले लें तो x प्लस 2 लॉग 2 प्लस 3 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, यही कर दूं गेम, 3 का क्यूब तो 3x अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, तो ये आगे आ जाएगा 3x अपॉन x माइनस 1 लॉग 3, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है बराबर में, इसको 3 का स्क्वायर लिख ले यहीं के यहीं, तो 2 आगे आ जाएगा, तो बताओ ये 2 लॉग 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 लॉग 3? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, x प्लस 2 लॉग 2, इसको इधर लाइए जरा, 3x अपॉन x माइनस 1 लॉग 3 माइनस 2 लॉग 3 बराबर 0, इन दोनों में लॉग 3 कॉमन है, ले लो बाहर लॉग 3, लॉग 2 प्लस लॉग 3 बाहर लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 3x अपॉन x माइनस 1 माइनस 1, ये बचेगा 2 बचेगा, है ना? ऐसा बचेगा 3x अपॉन x माइनस 1 यहां से 2 और लॉग 3 बाहर बराबर 0, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस 2x प्लस 2, तो x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, तो ये आएगा x प्लस 2 लॉग 2 प्लस x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 लॉग 3। अब आप ठीक से देखो, इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन है क्या, ले लो x प्लस 2 बाहर, लेते हैं x प्लस 2 बाहर, है ना? x प्लस 2 यदि बाहर ले लें तो अंदर बचेगा log 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 log 3 बराबर 0, है ना? ये आ जाएगा, ठीक है? अब एक बार इसको 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, इसको 0 के बराबर रखोगे तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 2, और एक बार इसको 0 के बराबर रखते हैं, जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, अच्छा ये आया ना समझ में, 0 के बराबर रख के आ जाएगा ये, इसको 0 के बराबर यदि हम रखते हैं, ठीक है, log 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 log 3 बराबर 0, चलिए तो इसको हम उधर ले लेते हैं, log 2 बराबर माइनस का 1 अपॉन x माइनस 1 log 3, है ना? अब log 2 को नीचे ले आए यहां पर, है ना, और x माइनस 1 को इधर ले लेते हैं, log 3 अपॉन log 2, ये 1 उधर चला जाएगा, तो x का वैल्यू 1 प्लस log 3 अपॉन log 2, माइनस है ना, 1 माइनस, तो ये दो रूट आएंगे, एक तो x बराबर, एक तो माइनस 2 आएगा और दूसरा रूट ही आएगा, तो माइनस 2 और 1 माइनस log 3 अपॉन log 2, ये ऑप्शन गलत है शायद इसके सारे, 1 माइनस log 3 अपॉन log 2 आएगा, सारे ऑप्शन गलत है इसके, है ना? ऑप्शन आएगा इसका माइनस 2 और दूसरा 1 माइनस log 3 अपॉन log 2, ये आंसर आएगा इसका, है ना?
था, सी वाला, सच में यही है सी वाला। गौर से देखो, दिखा नहीं दिखा? ठीक से देखो, सी वाला यही दिख रहा आपको सेम अभी भी? उसमें लॉग एक्स्ट्रा लगा हुआ है। नहीं, उसका मतलब ये होता है, देख प्रॉपर्टी होती है, लॉग m बाय n होता है लॉग m माइनस लॉग n। जब ऐसा होगा तो ऐसा लिख पाओगे ना आप उसको, है ना? आपके सामने क्या है, आपके सामने ये है, ऐसा है आपके सामने, इसको आप लिख सकते हो ऐसा, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, लोग सफिक्स में n और m। कैसा पागल माई के, इधर देखो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं, माइनस टू वन माइनस लॉग टू थ्री, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। हो गया? आ जाए पॉलिनोमियल्स। चलो, क्या होता है पॉलिनोमियल्स बोलो जरा। बहुपद, बहु पद मतलब टर्म्स, और बहु मतलब बहुत सारे टर्म्स।
हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ, पोलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, बहुत सारे टर्म्स, पोली मतलब बहु पोली मतलब बहुत सारे, मेनी, और नोमियल मतलब टर्म्स, तो बहुपद बहुत सारे टर्म्स, आई बात समझ में, है ना। अब इसका एक जनरल इक्वेशन होगा पोलिनोमियल्स का, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स ए जीरो एक्स की पावर जीरो, ए वन एक्स की पावर वन, ए टू एक्स की पावर टू, ए थ्री एक्स की पावर थ्री, डैश 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 ए एन एक्स की पावर एन। ये जनरल फॉर्म है किसका? पोलिनोमियल्स का, ठीक है। इससे क्या सीखने को मिलता है कि x की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, x की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, x की पावर वेरिएबल की पावर, वेरिएबल x है, वेरिएबल y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स, होल नंबर समझते हो आप, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी, ये दीज आर द सेट्स ऑफ पावर। जब भी इस प्रकार के पावर होंगे वेरिएबल्स के, वो क्या होगा? पॉलिनोमियल। मतलब इसको और सिंप्लीफाई करूं तो कोई भी वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। ये है पॉलिनोमियल का बेसिक फॉर्म, है ना। यही दिख रहा है, देखिए हर एक वेरिएबल की पावर होल नंबर है कि नहीं है। और ये जो a0, a1, a2, a3 है, क्या कॉफिशियंट्स है, गुणांक है ना, वो काम का नहीं है। वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। यदि पावर नेगेटिव हुई तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, यदि पावर 1 बाई टू हुई, 1 बाई थ्री हुई तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। प्रॉपर पावर होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आई बात समझ में, क्लियर। ये होता है आपका पॉलिनोमियल्स। तो स्टार्टिंग के जो तीन चार सवाल है वो इसीलिए है कि पॉलिनोमियल्स छांटो। तो पहले क्वेश्चन पर आके देखते, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं पॉलिनोमियल्स क्या है। चलो पहले क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है, सेकंड वाला है क्या? देखो क्वेश्चन नंबर वन है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते पॉलिनोमियल्स की। ऑप्शन ए बी सी और डी। ऑप्शन ए में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू एक्स प्लस थ्री, ये पॉलिनोमियल से यस। देखो सारी पावर कंफर्म है कि नहीं है। सेकंड वाला ऑप्शन क्या है आपका? एक्स क्यूब माइनस टू रूट एक्स प्लस थ्री, ये एक्स की पावर वन बाई टू है, इनवैलिड, ऐसा नहीं होना चाहिए, पावर गया काम से। दूसरा क्या है? वन अपॉन एक्स स्क्वायर, पागल जाने कहां से आया, प्लस थ्री, इसको ऊपर लाओगे एक्स को तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी? ये माइनस वन, ऐसी पावर हमें नहीं चाहिए, ये माइनस टू, ये भी नहीं चाहिए। ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको ऊपर लाओगे तो एक्स की पावर माइनस टू, ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए, आई बात समझ में, इतना ईजी है। अभी इसको कॉपी मत करो, मैं टाइम दूंगा आपको, है ना, ये समझ में आया आपको, इसको तो कॉपी करने की जरूरत नहीं, ना पहचान गए ना, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर टू में देखो जरा कौन सा पॉलिनोमियल है, देखकर बताओ पॉलिनोमियल कौन सा है? सी वाला, अरे सॉरी मैं तीसरा देख रहा हूं यार, हाँ सी वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऑप्शन सी है क्या पॉलिनोमियल? आ रहा है समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू में ऑप्शन सी, कौन सा ऑप्शन? अरे मतलब क्या है उसमें, तो मेरे को भी बताए, सी सी सी, इधर देखो, 3x की पावर 3, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, है क्या ये पॉलिनोमियल? क्लियर है ना। देखो आ रही है सारी पावर होल नंबर है, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी, है ना, ठीक है, बाकी कोई भी नहीं है, समझ पा रहे हो आप? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 में डी वाला पॉलिनोमियल है, तो 3 का आंसर क्या आ जाएगा? डी। फोर्थ का आंसर डी आएगा, कर लोगे, दिख रहा है फोर्थ का डी, ठीक है। फिफ्थ में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पाई बाई टू है। चलो पांचवे सवाल,
क्वेश्चन नंबर 5, पांचवे की बात करते हैं ना, तो पांचवे में पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 किसका कॉफिशियंट बताना है। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है? गुणांक, उसके साथ जो गुणा में है, गुणांक कॉफिशियंट है ना पाई बाय 2। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? चलो अब एक काम करें आप पहले, ठीक है ना, ये क्या लिखा था मैंने, समझ में आया आप लोगों को? कहने का मतलब क्या है, क्लियर है? इसकी डेफिनेशन लिखवाऊं क्या? उसमें कुछ नहीं लिखूंगा, बस ये लिखवाऊंगा मैं कि व्हेन द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स दैट इज कॉल्ड पॉलीनोमियल, है ना। एनी एल्जेब्रिक रिलेशन, एनी एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल्स कंटेन्स ओनली होल नंबर्स इज कॉल्ड अ पॉलीनोमियल। तो आ गई ना समझ में, आप ही लिख लोगे इसको देखकर, लिख लो कि नहीं लिख लोगे, डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है। तो ये कोर है पॉलीनोमियल का, ठीक है। तो काम करो, थोड़ा सा इसको डिजाइन बना लो ना फटाफट, जल्दी से इसका जल्दी बना लो फटाफट आप लोग, फिर हम डिग्री डिग्री पॉलीनोमियल की डिग्री पर बात कर लेते। डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल क्या? ये एफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स। डरना नहीं इससे, ऐसे दिखावे के लिए कुछ नहीं है, इसको हम वाई बोलते हैं नॉर्मली, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। हाँ बिल्कुल, पॉलीनोमियल उसको हम इक्वेशन बोल देंगे, जब इक्वल्स टू में आ जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन, तो भी पॉलीनोमियल ही होगा वो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉलीनोमियल की इक्वेशन हो गई। लिख लिया, लिख लिया क्या? अभी हमने यह सीखा कि पॉलीनोमियल को हमने पहचानना सीखा, कौन पॉलीनोमियल होता है। अब दूसरा टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। डिग्री को हिंदी में बोलते कोटि, डिग्री को हिंदी में बोलते कोटि, है ना, कोटि। इधर देखो, अगला पार्ट है हमारा, टॉपिक है पॉलीनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, है ना, ये ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल दो तीन पॉलीनोमियल में लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 2x प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई 4 प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड 0, ये सब पॉलीनोमियल है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, हम सब की डिग्री निकालना सीखेंगे। डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज व्हाट? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म, किसी भी पद की सबसे बड़ी घात, किसी भी पद की सबसे बड़ी घात। इस पद की सबसे बड़ी घात क्या है? 2, तो इसकी डिग्री क्या है? 2, इसकी डिग्री क्या है? 2, है ना, इसकी डिग्री क्या है बोलो जरा? 5, 1 + 4 = 5, 2 और 2 = 4 नहीं है। हाईएस्ट पावर टर्म कौन सी है? जब भी मल्टीप्लाई में होगी तो पावर को आप ऐड करोगे। 1 + 4 क्या है? 5, आई बात समझ में, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 + 4 क्या है? 5। तीन वेरिएबल होते हैं तो तीनों का ऐड कर लेते हैं मिनटों में, आई बात समझ में।
अच्छा इसके पास कुछ नहीं है तो x की पावर जीरो है, लगा सकते हैं, तो इसकी डिग्री क्या आएगी? जीरो। इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, इसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, बताऊंगा अभी। इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड क्योंकि इसके इंटू में आप x की पावर जीरो नहीं लगा सकते, वो यूं भी जीरो हो जाएगा। जीरो इंटू x की पावर जीरो क्या हो जाएगा? जीरो है वो, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। आई बात समझ में? कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर हो उसकी डिग्री हमेशा क्या आएगी? जीरो, क्योंकि उसके इंटू में कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर भी अपने, इसको कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। किसी भी कॉन्स्टेंट नंबर को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। और जीरो को क्या बोलते हैं? जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड। तो आप सब छोड़ो, जो बोला मैंने सब भूल जाओ, बस अब ये ध्यान रखो कि जब टू है उसकी डिग्री खोजने की कोशिश करोगे तो इंटू में एक्स की पावर जीरो लगा सकते हो आप, तो इसकी डिग्री क्या होगी? हमेशा जीरो। और इसकी डिग्री नॉट, जबरदस्ती एक्स की पावर जीरो मत करना, है ना, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। तो इसको कॉपी कर लो जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, फटाफट ऐसा लिख लो, है ना, काम आ जाएगा थोड़ा। डिग्री की तब बात करेंगे जब पॉलिनोमियल होगा, है ना, यदि पावर नेगेटिव आ गई तो फिर वो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो उसकी डिग्री की बात तो होगी ही नहीं। लिख लिया? हो गया ठीक। आगे देखो नया पिक्चर। तो डिग्री सीख ली हमने, है ना, वो क्वेश्चन है अगला, छठा सेट डिग्री वाला, कोई कौन सा है? सातवें में निकालनी ना डिग्री, क्या आ जाएगी? फोर, है ना, ठीक है। चलो अब देखो थोड़ी सी दूसरी कहानी। एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल, और इसके बाद जो आएगा उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब ध्यान देना, है ना, क्या होती है कहानी? मोनो यानी कि एक, है ना, और नोमियल मतलब पद, तो एक पद, कितना पद? बाय मतलब दो, और नोमियल मतलब होता है टर्म्स, पावर नहीं, टर्म्स, तो द्विपद क्या होगा? ये द्विपद, दो पद, दो टर्म्स, नाम खुद ही बोल रहा है मैं कौन हूं, दो पद, जब भी दो पद होगा वो बाइनोमियल हुआ, द्विपद, है ना। ट्राई यानी कि तीन, त्रिपद, त्रिपद, और बहुपद, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। अब एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, एक पद, दिस इज एक पद, इसको मोनोमियल बोलेंगे। अच्छा ये अकेला होगा तो इसको भी मोनोमियल बोलेंगे, एक ही टर्म है ये, एक टर्म, एक टर्म। अच्छा टर्म्स कैसे बनेंगी? प्लस, ये कितने टर्म है? तीन टर्म। पावर चाहे करोड़ हो फर्क नहीं पड़ता, पद एक दो तीन पद है कि नहीं है, क्लियर? तो ये मोनोमियल के एग्जांपल है, ठीक है ना, समझ गए क्या मोनोमियल है? ठीक है ना, एक्स वाई की क्यूब। अब बाइनोमियल की बात करें, x प्लस टू, टू टर्म्स बाइनोमियल, एक्स वाई क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल, है टू टर्म्स, दो टर्म होनी चाहिए वो कैसी भी हो, आई बात समझ में। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल, अरे माइनस हो जाएगा ना ये, तो
तो क्या है ये एक्चुअली, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो बताइए ये भी टू टर्म्स है कि नहीं है, ये भी बाइनोमियल है। मान लो आपके सामने आया एक्स प्लस सिक्स माइनस टू, ये क्या है? बाइनोमियल। सिक्स माइनस टू फोर हो जाएगा ना वो, तो ये भी क्या है? बाइनोमियल। तो फाइनली सॉल्व होने के बाद टू टर्म्स का मतलब बाइनोमियल। ट्राइनोमियल की बात करें, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्राइनोमियल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। समझ गए क्या ट्राइनोमियल है? और पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, ये सब भी पॉलिनोमियल के अंदर ही आएंगे। पॉलिनोमियल का मतलब एक या एक से ज्यादा पद, तो सारे भी पॉलिनोमियल के अंतर्गत आएंगे। और तीन पद के बाद चार पद, पांच पद, इन सबको भी क्या बोल सकते हो आप? पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? क्लियर। तो ये कहानी, शब्दों के अर्थ पे जाओ तो चीजें क्लियर हो जाएगी। इसका फोटो ले लो यार फटाफट जल्दी से। हो गया ठीक। मिटा दूं? चल अभी आगे देखो। कैटेगरीज ऑफ पॉलिनोमियल ध्यान देना, है ना क्या बता रहा हूं मैं? ठीक है। एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले स्टार्टिंग में जीरो पॉलिनोमियल आएगा, जीरो पॉलिनोमियल, फिर कांस्टेंट, फिर लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, उसके बाद बाय क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, उसके बाद बस पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, है ना। अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी? जीरो पॉलिनोमियल उसे कहेंगे, डिग्री जीरो पॉलिनोमियल उसे कहेंगे जिसकी डिग्री नोट डिफाइन। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री वन, डिग्री टू, डिग्री थ्री, डिग्री फोर, डिग्री फाइव। अरे व्हाट इज दिस यार। हाँ सही है ना, वन टू। ठीक है अब सुनो मेरी बात, देख लो पहले फिर कॉपी कर लेना। जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड, बताता हूं कौन होता है जीरो पॉलिनोमियल, है ना। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री वन, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री टू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कॉन्स्टेंट। अरे यार सॉरी, रुको वेट। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री जीरो, वन टू थ्री एंड फोर, है ना। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि डिग्री कितनी है? जीरो। लीनियर की डिग्री वन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री टू, क्यूबिक इक्वेशन डिग्री थ्री, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक का डबल हो गया ना, बाय मतलब डबल क्वाड्रेटिक, तो डिग्री क्या हो गई? फोर। अब ध्यान देना, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो। जीरो स्वयं इज अ जीरो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती, है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि टू थ्री फोर फाइव जितने भी नंबर है सारे क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है? कहां से वन है? जीरो है डिग्री इसकी, टू के इंटू में एक्स की पावर जीरो है डिग्री जीरो। तो जितने भी नंबर है टू थ्री फोर जो भी कॉन्स्टेंट नंबर है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि उसकी कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, डिग्री क्या हो गई उसकी? जीरो, है ना। तो टू थ्री इनकी डिग्री क्या है सबकी? जीरो, है ना। माइनस वन, माइनस टू, माइनस फाइव, माइनस टेन, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल एक्स की पावर वन होनी चाहिए, एक्स की वेरिएबल की पावर केवल क्या होनी चाहिए? वन, है ना। डिग्री वन यानी कि, या फिर लीनियर इक्वेशन होती है ना, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन,
लाइन की इक्वेशन है ना, वो वाली, ठीक है। तो x की पावर 1, तो जैसे 2x + 3 है ना, 4x ले लो केवल, चाहे इतना ले लो चाहे इतना ले लो, आई बात समझ में, ठीक है। पावर 2 नहीं आनी चाहिए, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1, आई बात समझ में, ठीक है। वो है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने देखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 1, सिर्फ एक्स स्क्वायर हो तो भी है ना, ये भी एक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2, पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, आई बात समझ में। ये सारे पेराबोला बनाएंगे, परिवलय बनाएंगे, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन, एक्स क्यूब 3x² + 2x + 1, या फिर सिर्फ एक्स क्यूब हो या फिर एक्स वाई स्क्वायर हो, दिस इज ऑल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। यहां पर भी जैसे एक्स इंटू वाई हो, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री क्या है 2, 1 + 1 = 2 है ना। बाय क्वाड्रेटिक, एक्स की पावर 4 चाहे बाकी कुछ भी नाटक हो, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 4, क्लियर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी, एक्स वाई क्यूब भी, ये सारे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुए कि नहीं हुए, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 4। हिंदी, इनका हिंदी बता देता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल रेखिक बहुपद, ये क्वेश्चन में लिखा है इंग्लिश हिंदी दोनों इसका। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, सारे लिखे हैं हिंदी में, लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघाती बहुपद, द्वि क्यूबिक त्रिघाती, और बाई क्वाड्रेटिक चतुर्थ घाती है ना, और कांस्टेंट 0 वाले को क्या बोलेंगे, शून्य पॉलिनोमियल, शून्य है ना, 0 वाले को बोलेंगे हम शून्य बहुपद, बहुपद लिख लेना, बहुपद नहीं लिख रहा हूं है ना। और कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, अचर, कांस्टेंट को हिंदी में अचर बोलते हैं, लेकिन अचर नहीं, कुछ और शब्द का यूज होगा उसके लिए, चलिए अचर बहुपद या फिर जो भी है ना, ठीक है, समझ जाइए आप। फटाफट इसका फोटो ले लो, आगे बढ़ जाते, मुश्किल लग रहा है, कहां से होगा, टाइम बताओ, 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 तो कर ही सकते हैं, 8, 9, 10 इसी पर बेस्ड है। 8वें का आंसर बताओ, क्या आंसर, बी ना, 4x - 2। 9th का डी करेक्ट, और 10th का ए, ठीक है। आ गए आंसर तीनों, बस ठीक है, और क्या, अब कल पढ़ेंगे। सवाल नंबर 8, 8 का आंसर आएगा, ऑनलाइन वालों सुन लो, 4x - 2 लीनियर पॉलिनोमियल ढूंढना है, तो लीनियर की डिग्री क्या होती, 1, तो डिग्री 1 केवल इसी में आएगी, तो 8 का आंसर ये वाला आएगा, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 9, fx = 0 कौन सा पॉलिनोमियल है, तो 0 कौन सा पॉलिनोमियल होता है, शून्य, ये 0 कौन सा पॉलिनोमियल होता है, शून्य, 0 पॉलिनोमियल है ना, तो 9th का आंसर आएगा 0 पॉलिनोमियल यानी कि ऑप्शन डी, चलो। और 10th क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, 4x³ + 3x² तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक, तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, ठीक है।